जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1989, ठीक है, 1989 का पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का हम यहाँ रीड करके समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो पेपर वन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर वन, इस क्वेश्चन नंबर वन के अंतर्गत ए बी सी एंड डी चार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और इन किन्हीं चार प्रश्नों के में जो है आपको तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कमेंट ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। हमें जो है सभी प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर वन ए, ठीक है, अभी देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जो पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, थियोरिस्ट होते हैं, स्कॉलर होते हैं या फिर जो महान विचारक हुए हैं राजनीति शास्त्र के, उनके कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथन उनके द्वारा जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पे फिर आपको अपने कमेंट करने हैं, अपनी राय व्यक्त करनी है। बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर वन ए हम लोग पढ़ते हैं, पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि द ट्रूथ इज दैट द स्टेट इन विच द रूलर आर द मोस्ट रिलक्टेंट टू गवर्न। देखो ध्यान से सुनना, द ट्रूथ इज दैट द स्टेट इन विच द रूलर आर द मोस्ट रिलक्टेंट टू गवर्न इज ऑलवेज द बेस्ट। कहने का मतलब है, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, ऐसा राजा कई बार जो है, और ये सत्य है, यहां शुरू में ही दिया गया है द ट्रूथ, यह सत्य है कि उस राज्य में ऐसा राजा जो कि उतना गवर्न नहीं करना चाहता है वो सबसे अच्छा है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि द मोस्ट क्वाइटली गवर्न, और सबसे बड़ी बात है कि देखो एक होता है कि जो है हम शासन वगैरह चला रहे हैं, एक होता है कि हम सत्ता के लोलुपता हैं, दोनों में अंतर है। कई बार देखोगे, और ये कथन प्लूटो का है, तो प्लूटो का जो फिलोसफर किंग की जो अवधारणा है इससे आप लोग परिचित ही होंगे, अगर आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही होगा। तो यही बातें यही कही जा रही है कि द ट्रूथ इज दैट द स्टेट इन विच द रूलर आर मोस्ट रिलक्टेंट टू गवर्न इज ऑलवेज द बेस्ट एंड मोस्ट क्वाइटली गवर्न। जो कह सकते हो कि कम सत्ता के लोलुपता होते हैं या जिनकी चाहना एकदम गवर्नेंस कह सकते हो ना, कि एकदम कह सकते हो ना कि राजशाही वाला नहीं होता है, वो बड़ा ही सरलता के साथ, बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से वो शासन व्यवस्था चलाते हैं और वो सबसे अच्छी सरकार होती है। आगे कहा गया है कि द स्टेट इन विच दे आर मोस्ट ईगर आर द प्रोस्ट, और जो एकदम सत्ता के लोलुपता होते हैं, ठीक है, जिनको कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए या राजशाही परंपरा चाहिए या कह सकते हो सिंहासन चाहिए, वो ब्रॉस्ट फॉर्म में होते हैं। ये कथन प्लूटो के द्वारा कहा गया है। अब देखो प्लूटो के इस कथन को अगर आपको उत्तर लिखने हैं तो सबसे पहले आप एक बार प्लूटो को पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एशियंट थिंकिंग और खास करके राजनीति शास्त्र जो है एरिस्टोटल और प्लूटो से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, जो मतलब थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स आप कह सकते हो, तो इसमें प्लूटो का स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के माध्यम से फिर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें किस प्रकार से एक राजा के बारे में उसके चरित्रों की व्याख्या की गई है, तो आप अगर इस प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहते हैं ना, तो एक बार प्लूटो की जो फिलॉसफर किंग की अवधारणा है, आइदर द फिलॉसफर इज अ किंग और किंग इज अ फिलॉसफर, ठीक है, या तो राजा दार्शनिक हो जाए या दार्शनिक राजा हो जाए, तो इन सिद्धांतों को आप एक बार प्लूटो के जो भी बुक्स आपके वगैरह हैं, जो भी पॉलिटिकल थिंकर का बुक है, आप उसको एक बार गो थ्रू जाएं, उसको पढ़ें और फिर आप इस प्रश्नों के उत्तर बड़ा आसानी से आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर वन ए हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर वन बी समझने का प्रयास करते हैं। पहले ही बता देते हैं वन बी, ये मैकिएवेली का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आई कंक्लूड अगेन बाई सेइंग दैट प्रिंस मस्ट एस्टीम हिज नॉबल्स बट नॉट मेक हिमसेल्फ हेटेड बाई द पॉपुलेस। ये मैकिएवेली का स्टेटमेंट है। यहाँ कह रहे जाए मैकिएवेली को, मैकिएवेली जो है एक राजा को सलाह दे रहे हैं और एक राजा को बतला रहे हैं कि मैं यह कंक्लूड करता हूँ, मैं मतलब सारंश जो है ना, या सार प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है, कि एक राजा को, एक युवराज को, एक प्रिंस को जो है, नॉबल्स वगैरह जो होते हैं ना, राज दरबारी,
उनका आदर और सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन लेकिन वह इन बातों का ख्याल रखे कि जो उनकी आबादी है, जो जनता है, जो जनमानस है, उनमें उनके खिलाफ विद्रोह की भावना ना हो या अनादर की भावना ना हो। ठीक है, तो ये मैकेबली के द्वारा यह कथन कहा गया है। और रियलिस्ट थिंकिंग और रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में जो है मैकेबली से अच्छा कोई नहीं जानता। देखो, नोबेल कई बार जो है आपको कुर्सी से हटाने के लिए हमेशा राजतंत्र में षड्यंत्र रचे जाते हैं, हर जगह होता है ये कि कई बार षड्यंत्र हमेशा चलते रहते हैं राजशाही परंपरा में, या अब इनफैक्ट कि डेमोक्रेसी में भी षड्यंत्र चलते रहते हैं, जो ये सरकार है तो इसे हटाकर हम कुर्सी पे बैठ जाएं, तो ये सब राजनीति में होता है कुर्सी के कारण। तो यहाँ मैकेबली कहना चाह रहे हैं कि देखो, आप अपने राजदरबारी का सम्मान करो, लेकिन उससे भी कहीं ख्याल आपको आपकी आबादी और जनता का रखना होगा। ठीक है, यहाँ आई कंक्लूड अगेन बाय सेइंग दैट द प्रिंस, यहाँ प्रिंस का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उसके बारे में कह रहे हैं, मतलब एक युवराज का, कि मस्ट आई कंक्लूड अगेन बाय सेइंग दैट प्रिंस मस्ट एस्टीम हिज नॉबल्स बट नॉट मेक हिमसेल्फ हेटेड बाय द पॉपुलेस। ठीक है, तो ये मैकेबली का स्टेटमेंट है। आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और C समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 1C यह रूसो का एक कथन है। ठीक है, रूसो का, हम रूसो के कथनों को जो है पढ़कर अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है यह जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया है 1C में कि एवरी मैन बींग बॉर्न फ्री, सभी लोग जो है मुक्त जन्म लिए हैं। स्वाभाविक सी बात है, कोई गुलाम तो पैदा होता नहीं, जो माँ के गर्भ से पैदा होता है सब लोग स्वतंत्र ही पैदा होते हैं, भले हम कई जो है कल्चरल सोशियो इकोनॉमिक कह सकते हो कि ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, बट स्टिल वी आर फ्री। वही रूसो कहना चाहते हैं कि एवरी मैन बींग बॉर्न फ्री, सभी लोग जो है स्वतंत्र पैदा हुए हैं, एंड हिज ओन मास्टर, और सभी लोग अपना स्वामी स्वयं है। एक समय होता था ना कि गुलाम प्रथा वगैरह चलती थी, जिसमें कि गुलाम का बेटा गुलाम ही पैदा होता था, उन्हें जिंदगी भर जो है दूसरे की गुलामी ही करनी पड़ती थी। भारत वगैरह में भी बंधुआ मजदूर का कॉन्सेप्ट वगैरह था। तो ये सब सारी चीज़ें कि रूसो कहना चाहते हैं कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और सभी लोग अपना स्वामी है। नो वन अंडर एनी प्रिटेक्स्ट, और नो वन अंडर एनी प्रिटेक्स्ट व्हाटसोएवर कैन मेक एनी मैन सब्जेक्ट, और किसी भी परिस्थिति में किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह दूसरे व्यक्ति को गुलाम बना सके। सब्जेक्ट मतलब होता है अपने अधीनस्थ कर सके। ठीक है, एंड विदाउट हिज कंसेंट, बिना उसकी सहमति के। तो कोई भी बताओ सहमति देगा कि आप मुझे गुलाम बना लो? कोई तो ऐसी सहमति देगा नहीं। तो इसमें यही कहा जा रहा है रूसो के द्वारा कि किसी भी व्यक्तियों को दूसरे व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाना चाहिए बिना उसकी अनुमति के। आगे इसमें है कि टू डिसाइड दैट द सन ऑफ अ स्लेव इज बॉर्न अ स्लेव इज टू डिसाइड दैट ही इज नॉट बॉर्न एज अ मैन। इसमें आगे रूसो कहते हैं कि यह निर्णय ले लेना कि एक गुलाम का बेटा गुलाम ही होगा, यह साबित करता है कि वह एक मनुष्य के रूप में जन्म ही नहीं लिया है। ठीक है, तो इस कथन कितने बड़े ऐसे विचारक जो होते हैं ना, देखो एक होता है कि राजनीति शास्त्र को अध्ययन करना, उसे पढ़ना, या फिर कोई भी आप सब्जेक्ट में अध्ययन कर रहे हो, तो जब आप अध्ययन करते हैं तो एक विद्यार्थी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जब वही आप PhD वगैरह करने लगते हैं, और ख़ास करके PhD करने के बाद जब आप कोई ऑथर वगैरह बन जाते हैं, कोई पुस्तकों का निर्माण करते हैं, या जब आप अपने उसमें थिंकिंग और पर्सपेक्टिव जोड़ते हैं ना, तो आप एक विचारक कहलाते हैं, और विचारक के विचार ही उसकी महानता का कह सकते हो कि महानता को परिलक्षित करता है या उसकी महानता का परिचय देता है। तो रूसो का कथन देखो ना कितना प्रभावशाली है, स्टेटमेंट है, आप इससे इसकी अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो ये रूसो का जो है, आप एक बार जो है ना, मैं फिर कहूँगा कि जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स का क्वेश्चन है ना, वो बेस हैं आपके राजनीति शास्त्र के। कहीं भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो ये सब जो है स्टेटमेंट कोट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन को आशा करता हूँ समझ में आ ही गया होगा कि ये गुलाम का बेटा जो है गुलाम पैदा नहीं लेता, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति को बिना उसकी सहमति के गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सभी व्यक्ति मुक्त और स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है और वह अपना मालिक स्वयं है। तो तीन कथन है एक ही कथन के, रूसो के जो है इस क्वेश्चन, इस प्रश्न में। जाते जाते हम इस प्रश्न को एक बार फिर पढ़ेंगे कि एवरी मैन बींग बॉर्न, क्योंकि ये
कैसे तो प्रश्न बड़ा मतलब मुझे प्रभावशाली दिखता है कि एवरी मैन बीइंग बॉर्न फ्री एंड हिज ओन मास्टर नो वन अंडर एनी प्रिटेक्स्ट व्हाटसोएवर कैन मेक एनी मैन सब्जेक्ट विदाउट हिज कंसेंट एंड टू डिसाइड दैट द सन ऑफ अ स्लेव इज बॉर्न अ स्लेव इज टू डिसाइड दैट ही इज नॉट बॉर्न अ मैन। रूसो का यह कथन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1D पढ़ लेते हैं कि वुमैन होल्ड अप हाफ ऑफ द हेवंस। स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य जाति में आधी आबादी महिलाओं की है, तो कहा जा रहा है हेवंस का तो मतलब स्वर्ग होता है, यह माओ का कथन है। ठीक है, माओ कहते हैं कि महिलाएं जो है, स्त्री जो है, वह पूरे इस विश्व में या फिर पूरे इस स्वर्ग की अवधारणा है, हेवंस है, तो उसकी आधी आबादी है या फिर आधा हक है या उनका आधा एक प्रकार से कह सकते हो हिस्सेदारी है। तो ये माओ का कथन है। माओ भी अपने आप में एक बहुत बड़े थिंकर हुए, कम्युनिस्ट चाइना के फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, आप लोग को मालूम ही होगा। तो वुमैन होल्ड अप हाफ ऑफ द हेवंस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत ABCND 4 प्रश्न थे और हमने चारों प्रश्नों को जो है डिटेल में एक एक प्रश्न पढ़ के समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ क्वेरीज हो, कोई कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है पूछें। डैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।